सरफराज अहमद साहब उनकी भी गुलपोशी की जाए इब्राहिम अंसारी साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। वो मॉरल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं सरफराज अहमद साहब। आपको तो भी पता है कि ये इनाम जो है कमर हयात साहब के नाम डेडिकेट किया गया है, उनका अप्रिशिएट किया गया है, उनके नाम पर रखा है। क्यों रखा गया है कि उनका तालीम से बड़ा गहरा और किस क्षेत्र में वो काफ़ी करते थे, हम लोगों का उनसे बड़े अच्छे मुलाजिम थे, चीज़ें हम लोगों से पूछते थे, मदद भी करते थे। ऐसे तो तेरों की उन्होंने मदद की है, हम लोगों के कहने पर की। वो हम लोगों के दरमियान नहीं रहे, उसकी कमी हम लोगों को आज तक खल रही है। और हम लोगों का ये होता है कि देखिए एक इतिहास का एक शऊर है कि जो कौमें अपने आबा वजाद को नहीं याद करती वो कौमें हिस्ट्री से इतिहास से मिटा दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। ये उसको उनकी जिम्मेदारी है कि अपने आबा वजाद को याद रखना है, उनके नाम को लेकर चलना है, ये उनकी जिम्मेदारी, उस कौम की जिम्मेदारी। दूसरा कोई आपके इतिहास को ना लिखेगा ना पढ़ेगा ना बताएगा। आपके इतिहास को जिंदा रखना है, अपनी हिस्ट्री जिंदा रखना है, तो अपने लोगों को खुद आपको बताना होगा, आपको लिखना होगा, आपको समझाना होगा। आज हमारी हिस्ट्री नहीं है कहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इतिहास उन लोगों ने हम लोगों के बारे में, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने कारनामे नहीं किए हैं, बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो कारनामे रुपोश हो गए, छुपा दिए गए हैं। तो उन्हीं कौमों की याद की जाती है जिन कौमों की शक्लें, दस्तावेजी शक्ल में चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारी चीज़ें दस्तावेजी शक्ल में नहीं है, इसलिए लोगों को वो चीज़ें पहुँच नहीं रही। तो कमर है साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, जितना भी उन्होंने काम किया है एजुकेशन के सेक्टर में खासकर, और खासकर हेल्थ के सेक्टर में। ये तो सेक्टर उनका ऐसा रहा है जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैं कमर हयात साहब के साहबजादे से गुजारिश करूंगा कि आप नहीं ना जीशान भाई आप यहाँ आए, जीशान भाई उनकी भी कुलकुशी करके उनका स्वागत किया जाए। आप आ जाओ, आप कमर हयात साहब इंजीनियर साहब हैं, बड़े खुशी की बात है कि हम लोगों के दरमियान अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जी गुलपोशी करके उनका स्वागत किया जाए, नहीं जो एक रस्म रस्म चलती है उनका। जी ये कमर हयात साहब के साहबजादे हैं, ये अवार्ड उन्हीं के नाम डेडिकेट किया गया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए, हम लोग के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर भाई, और डॉक्टर साहब का खास का शुक्रिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत की हम लोग के साथ ही, बड़ा हिम्मत दिया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यह प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, लोग इस तरीके काम करें। हम लोग दो चीज़ों पर और काम कर रहे हैं जो अभी थोड़ा सा संसाधन की कमी की वजह से, एक डिजिटल लाइब्रेरी और दूसरा नीट कोच। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आसानी से अचीव हो सकती हैं। अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। हमें यहाँ कोई चीज़ रोज़गार खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नीट का सिलेक्शन हो गया तो रोजगार आपके पीछे दौड़ेगा, नौकरी सरकारी नौकरी आप छोड़ने पर मजबूर रहेंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर भी बहुत ही कमी है। आप WHO का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया के अंदर लगभग 1,00,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि रेशियो होना चाहिए कि 1,000 पर एक। तो इस रेशियो तक आने में अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है। और इसमें अगर स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत कर ले जाता है तो आसानी से चीज़ें वो हासिल कर लेता है। मैं समझता हूँ समाज को पढ़ने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करके जो बच्चे बायोलॉजी से PCM ग्रुप से इंटरमीडिएट किए हैं उनको ज़रूर इसमें एक बार अपने आप को आजमाना चाहिए। अगर लगता है कि वो अच्छे ला सकते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट ज़रूर देनी चाहिए, तब तक उनकी एलिजिबिलिटी रहती है देने की। तो मैं ज़्यादा बातें ना करके सीधा मैं थोड़ा मुखातिब करना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि वो आए अपने चंद अल्फाज से हम लोगों को नवाजे। मैं इसी कड़ी में हाजी तारिक साहब को आवाज़ दूंगा कि वो चंद बातें आएँ हम लोगों को दरमियान अपनी बातों को रखें ताकि हम उनसे सीख कर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाजी तारिक साहब इस तरह का आयोजन आयोजन करना समय की जरूरत है। आयोजित करने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है
कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई है वो सब बधाई के पास। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, इस मकाम पर पहुँचने के लिए आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, जितनी मशक्कत की है, जितना स्ट्रगल किया है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस मकाम पर बने रहने के लिए। इस मकाम पर बने रहने के लिए उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को। सफलता के शिखर पर जितने लोग पहुँचे उनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है कि हमें इस मकाम पर पहुँचने के लिए करना पड़ा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस मकाम पर ठहरने के लिए, रुकने के लिए। तो बच्चों आप भी इससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल करना इस मकाम पर बने रहे। एक लाइन में बता रहा हूँ, स्ट्रगल इज द बेस्ट वेपन फॉर ब्राइट फ्यूचर। गागर में सागर जैसी बातें कहेंगे हाजी साहब, हम लोगों के बीच से रवाना हुए, बेहतरीन बातें पहुँचाई आप लोगों तक। इसी कड़ी में मैं अकमल साहब को आवाज़ दूंगा जो हेल्पिंग हैंड के सरबराह हैं और हम लोगों से दो बातें कहें ताकि हम उनसे सीख कर उनसे कुछ कोशिश करें आगे बढ़ने की। अकमल साहब दो बातें कहें। और आपने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। वैसे पिछले पाँच सालों से मैं अपनी संस्था चला रहा हूँ, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप और भी कई चीज़ों को लेकर काम कर रहा हूँ। इसमें एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया है, स्कूलों पर स्कूल और कुछ स्कूलों में मैंने बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी थी, बस कुछ स्थिति या कुछ पर्सनली आने की वजह से उन चीज़ों को स्टॉप करना पड़ गया। बस कुछ दिन पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया, दोस्त जो है कुछ डॉक्टर हैं आलोक पांडे हॉस्पिटल और डॉक्टर की मुझे पता सब कुछ, और डॉक्टरों से मैंने बात कर रखा है। तो हम लोगों की भी बीच में बात हुई नीट कोचिंग की, तो प्लानिंग है और मैंने कुछ दोस्तों को और बाहर के जो मेरे नीट की तैयारी कर रहे थे तो किसी रीज़न से वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए, उनसे भी बात हो रही है, उनका कुछ सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं जल्दी एक नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट टांडा में स्टार्ट करूंगा, जिससे वहां पर आप लोगों को फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश में लगा हूं, अगर होता है तो एक छोटा सा जरिया बनेगा जिससे आप लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आप टांडा में ही रहकर आगे ही की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह कामयाबी दे उसमें आपको। अब मैं आपके बीच इस समारोह के मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद अंसारी साहब को आवाज़ दूंगा कि वहाँ चंद बातें हमारे दरमियान रखें। डॉक्टर इश्तियाक अहमद अंसारी साहब मुख्तली समाज सेवी भी हैं बाकी, और एक जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा मकाम इनका हासिल है, और ये उत्तर प्रदेश में वलपर एसोसिएशन में ये काउंसलर के तौर पर उनको नियुक्ति मिली है, काफ़ी कुछ इनके पास है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। आगे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के दरमियान ऐसे बने रहे जैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्चियाँ जो टॉप की हैं, बढ़िया नंबर लाई हैं, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि कम संसाधन में उन्होंने अपनी पढ़ाई को बेहतर करके इस शहर का एक मकाम बनाया, और मेरी ख्वाहिश है कि शहर के जरिए और आगे जाके मकाम बनाए। और मैं लगभग 2001 तक बाहर रहा यहाँ से, और राजस्थान में मैं रहा, वहाँ मैंने काम किया अपने तौर से, और उसके बाद 2001 में मैं यहाँ चला आया। मगर चूंकि एक मुस्लिम का एक नेचर रहा है खामोशी से काम करना, कहीं चर्चा नहीं करना, इस तरीके से काम करता रहा, और मैंने देखा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज अकमल बहुत बड़ा नाम है हेल्पिंग हैंड के जो सरबराह बने हुए हैं,
मगर अकेले हैं, उनको कोई भी शहर में हाथ रखने वाला नहीं मिला। और वही चीज़ समीर साहब के अंदर है, दुनिया की एजुकेशन की क्वालिटी है मगर इस शहर का अलमिया है कोई हाथ रखने वाला नहीं। मेरे तमाम साथी ऐसे साहिब हैसियत रहे यहाँ के शहर के, मैं नाम अब नहीं लूँगा बरवर, और उनसे मैं जब यहाँ आया 2001 में, तो उसके बाद मैंने 2003 में पत्रकारिता शुरू की। और पत्रकारिता शुरू करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं अपने कौम अपने शहर के लोगों के ये ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूँ, और इनके प्रशासनिक या जो भी मामला रखते उनमें मैं साना बसाना खड़ा होकर हल करा सकूँ, इसी मद्देनज़र काम किया मैंने पत्रकारिता के लिए। मगर अफसोस रहा कि इस शहर में सारे लोग होने के बाद भी कारोबारी ज़रूरतें कारोबारी हैसियत सब कुछ है, मगर इस शहर में चेयरमैन हयात मोहम्मद साहब मरहूम, कमर हयात साहब मरहूम, और फिर अशरफ अंसारी जैसे मरहूम जैसे लोग हुए, मगर वो लोग कमर हयाती हयात वो साहब मरहूम का तो खैर माशाल्लाह बहुत कुछ दिया इस शहर को, और उसके बाद किसी के पास टीम नहीं बन पाई। रसूल अहमद भाई हाजी रसूल अहमद साहब मौजूद है इस टाइम फातिमा स्कूल की वो सदर है, और जो जोश मैंने फातिमागढ़ सेंट्रल कॉलेज के टाइम में उसकी बुनियाद रखने के टाइम उसका खड़ा करने के टाइम मेरा वही नया नया यहाँ आना हुआ था, मैंने जो जोश यहाँ के लोगों में देखा था, वो चाहे हाजी मिसबाहुद्दीन मरहूम रहे हों, चाहे अब्दुल हसन साहब रहे हों, चाहे इसमें बहुत सारे नाम नहीं याद आते हैं, जमात खड़ी है इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुका जा रहा है। ठीक है।